तो राम राम भाई सारण है। तो इस वीडियो में मैं आपने सिखाऊंगा रूबिक क्यूब 3x3 की सेकंड ले। तो मैंने पिछली वीडियो बना दी थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में इब्बे जाए चेक कर लियो। और इस वीडियो में दोस्तों अपने यह जो थर्ड लेयर है यह सिखाऊंगा अपने। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने यानी कि इस टॉपिक के ऊपर आपने शुरुआत में इसका यानी कि इतना भूल जाओ यो है इसने एक तरीका तो भूले जाओ थर्ड लेयर खतर इस इतना इतना तो ये जो दो हिन्ह है इन्हें दोस्तों भूल जाओ और इसने उल्टो पकड़ लियो। तो दोस्तों पहलो अपने यानी कि इस चीज़ में पूरे प्लस बनानो है, इस तरीका से प्लस को साइन बनानो बढ़िया डालते और नीचे को भी सॉल्व होना चाहिए। तो दोस्तों प्लस का निशान बनाने में आपने तीन केस मिली ही, जिसमें कि दोस्तों यानी कि डॉट मिला है और दोस्तों सेकंड में आपने यानी कि यो स्मॉल साइज में एल निशान बनाओ। तो दोस्तों देख सको हो इस तरीका से यो है इसने कोई एंड को नहीं, इस तरीका से पाओगे। फिर थर्ड थर्ड में केस में थर्ड केस में दोस्तों आपने एक लाइन मिलेगी सिंपल लाइन, और फोर्थ दोस्तों डायरेक्ट प्लस को निशान। तो दोस्तों ई बाप ने सिखाऊं यानी कि फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, और इन तरीका था अपना आकी और प्लस को निशान किस तरह बनाना है। तो चलो सिखाऊं। पहला तो मैं इसने यानी कि डॉट में बनाऊं, डॉट ले आऊँ और फिर बनाऊं। तो दोस्तों डॉट आ गया है ई। दोस्तों मैं बताऊं यानी कि के करना अपने जो भी यानी कि जो फ्रंट साइड है यानी कि मेरी फ्रंट साइड रेड कलर है, तो इस रेड ने फ्रंट साइड ने अपन ने राइट साइड में घुमानी है इस तरीका से न्यू। फिर दोस्तों यानी कि वो ये जो मैंने अपने फर्स्ट उसमें फर्स्ट पार्ट में यानी कि फर्स्ट लेयर खातर जो वो बताया था मैंने आपते एल्गोरिज्म वो ये अपने उड़ा लगाना है। तो दोस्तों लगाऊँ हूँ और फिर दोस्तों ये लगाए बाद में अपने जो ये फ्रंट साइड राइट साइड में घुमाई थी वापसी उसने ले जाओ। तो दोस्तों देख सको आपको परफेक्ट यो एल बन गया है। तो ई दोबारा सिंपल स्ट्रेट लाइन लेने खातर भी अपने वो एक लगाना है फ्रंट साइड में एक बार न्यू और फिर वो ऊपर लेफ्ट। और दोस्तों देख सको ईब वो लगाए बाद में मेरे स्ट्रेट लाइन आ गई है। तो ईब प्लस को निशान बनाना है यानी कि इस जगह पे और येलो कलर आ जाओ। तो एक बार और उस तरह कर दियो। तो दोस्तों प्लस को निशान आ गया है, इसके बाद में आपने यानी कि जो ये एच पी सी इनने मिलाना है जिस तरह ये दोस्तों यो मिल गयो हर जगह पर। दोस्तों इससे तरीका जिस तरह ये दो मिल रहे हैं उस तरीका से इस जगह पर मिलाना है। तो इसमें भी दोस्तों आपने दो केस मिली ही। तो फर्स्ट केस है जिसमें कि आपने यानी कि एक फ्रंट साइड ने मिलेगा एक एच पी सी मैच हो फ्रंट साइड ने, और सेकंड इस तरीका यानी कि दो कट्ठा मिलेगा एक इस साइड एक इस साइड जड़ में। और दोस्तों सेकंड केस में आपने मिलेगा यानी कि एक फ्रंट साइड ने और एक सीधो बैक साइड ने, तो वह अपने मैं दिखाऊं। तो दोस्तों सेकंड केस में आपने इस तरीका से मिलेगा एक फ्रंट साइड ने और एक बैक साइड ने। तो इस तरीका से आपने यो तरीको मिला यानी कि यो केस मिला आपने क्या करना है, जो राइट साइड है इसने एक तरफा ऊपर, बाद में एक तरफा लेफ्ट साइड में जो अपर साइड है दोस्तों एक तरफा, बाद में जो दोस्तों आपने ऊपर करी थी राइट साइड उसने वापसी नीचे इस तरीका दोस्तों देख सको जो, और बाद में दोस्तों आपने जो ऊपर अपर साइड जो दोस्तों लेफ्ट घुमाई थी उसने एक और लेफ्ट, और जो नीचे करी उसने वापसी, और फिर दोस्तों जो ऊपरी साइड है यानी कि अपरा उसने दो तरफा यानी कि यह दोस्तों न्यू थी तो इसने दो तरफा घुमा दियो, और फिर दोस्तों यह मैच होगी इसने न्यू। तो ईब तो दोस्तों आप देखोगा तो आपको यानी कि सेकंड केस तो आप फर्स्ट केस में आ जाओगा। तो वो देख सको हो ये ही फर्स्ट केस यानी कि आजू बाजू में कलर मिल जाएगा। फिर दोस्तों आपने क्या करना है, एक जो कलर है उसने पकड़ना लेफ्ट साइड ने और जो सेकंड कलर है उसने बैक साइड में। तो फिर दोबारा तो ये या जो राइट साइड है इसने ऊपर, अपर साइड है इसने एक तरफा राइट साइड नीचे, और अपर साइड ने एक और राइट साइड ने ऊपर, अपर साइड ने दो तरफा और नीचे। तो दोस्तों ई बाप देखोगा यानी किस तरीका न्यू मिला की देखोगा तो सारा जो भी एच पी सी वे सारा मैच पावेगा। तो दोस्तों देख सको यो भी मैच है
मैच मैच मैच। तो दोस्तों ईब यानी कि आपको आधा तक भी फालतू काम यानी कि सॉल्व हो गया है। ईब आपने करना है एक के वो है दोस्तों कॉर्नर पीस ने सॉल्व करना, देख को सारा सॉल्व हो गया बस कॉर्नर पीस रमी ही। तो ईब दोस्तों आपने करना है कॉर्नर पीस ने आपकी जगह पर लाना है, यानी कि अगर आप न्यू मूव कर कर एक बार यानी कि आप एक तरीका न्यू सोच लियो, अगर ये न्यू मूव हो गयो येलो ऊपर रेड ग्रीन यानी कि ऑरेंज फ्रंट साइड ने और ब्लू, तो दोस्तों न्यू ढूंढना ही हर जगह पर, यानी कि ये न्यू बिगड़ा इस तरह ये हो दोस्तों ये बिगड़ रहा हूँ लेकिन ये अपनी जगह पर होना चाहिए, तो वो दोस्तों ईब कराँगा। उसका खतरा अपने कोई भी इस तरह फर्स्ट केस दो, इसमें भी आपने दो केस मिलेगा। फर्स्ट केस में दोस्तों आपने यो यानी कि एक फिक्स मिलेगा और सेकंड केस में इस तरीका जो ये तीन दोस्तों ये फिक्स को नहीं इन जगह ये जो पीस ही ये कोई यानी कि चार ही कॉर्नर पीस इन मत एक भी अपने सॉल्व नहीं मिलेगा, यानी कि सॉल्व तो के आपकी जगह अपनी मिलेगा। तो उस तरीके उसका खतर आपने करना है फर्स्ट केस जो भी हो आपने जो भी केस मिला उसका खतर वो सीख लियो। राइट साइड है उसने ऊपर, जो अपर साइड है उसने लेफ्ट राइट साइड ने दोस्तों सॉरी लेफ्ट राइट साइड ने, और दोस्तों बाद में जो लेफ्ट साइड है उसने ऊपर अपर साइड ने लेफ्ट राइट साइड ने नीचे और अपर साइड ने राइट और लेफ्ट साइड ने नीचे। तो दोस्तों यो आपने जब तक करना है जब तक यानी कि ये जो पीस सी आप ईबती मैथ हो सेकेंड केस में और ई बाग्यो में फर्स्ट केस में, यानी कि मेरे एक पीस आपकी जगह पर है यो दोस्तों देख सको ये वाला पीस, अगर मैं इसे न्यू रोटेट करूँ तो ऑरेंज उरा होगा येल्लो उरा इस तरीका दोस्तों आपने लाना ही। तो यो आया दोस्तों यो आया पाद में, अगर नहीं भी आवे एक बार में तो आप यो तरीको दो तीन बार करना यो यो एल्गोरिज्म अपने दो बार लगानो तीन बार लगानो जितनी बार नहीं ना आपकी जगह पर एक पीस उतनी बार लगानो है। तो ईब दोस्तों मेरा एक पीस तो आ गया है, ईब दूसरा और यानी कि ये चार पीस बची तीन पीस बच गया दोस्तों, ये तीन पीस लेने खातर दोबारा तीयो राइट साइड ने ऊपर अपर साइड ने राइट लेफ्ट साइड ने ऊपर अपर साइड ने राइट लेफ्ट साइड नीचे अपर साइड लेफ्ट। दोस्तों देख सको हो ईब दोस्तों यानी कि चेक करूँ आ गया कि नहीं, कई आ दोस्तों यानी कि एक बार मां जावी बहुत लोगों का दो तीन बार करते बिना हुई, यानी कि आपने जब तक करना हो जब तक ये आपकी जगह पर नहीं आ जावी। ईब दोस्तों यानी कि येल्लो उरे रेड उरे और ब्लू उरे, तो दोस्तों यो भी आपकी जगह पर है येल्लो ऊपर ऑरेंज इस साइड और ब्लू इस साइड, तो दोस्तों ये सारा हो गया। तो ईब दोस्तों यानी कि ईब थी आप इसने भूल रहा था ईब आप दोस्तों इसने वापसी पकड़ लिया मांगा नुक्का न्यू यानी कि वाइट साइड है उसने ऊपर। तो दोस्तों जो फर्स्ट वीडियो में जो मैंने यानी कि फर्स्ट एल्गोरिज्म बताया था वो दोस्तों ईब आपने वो लगाना है उस वो एल्गोरिज्म जब आप लगाओगा तो ये जो ऊपर को है दोस्तों ये बिगड़ेगा लेकिन ऑटोमेटिकली आप पे यानी कि जब ये सारा हो जाएगा दोस्तों जब ये ऑटोमेटिकली आप पे सॉल्व हो जाओ। तो ईब दोस्तों दिखाऊँ राइट साइड ने ऊपर अपर साइड ने लेफ्ट राइट साइड ने नीचे और अपर साइड ने राइट, तो दोस्तों ईब यो तरीको मैं आपने करूँ। और यो दोस्तों जब तक आपने करना हो एक साइड को यानी कि जब तक यो दोस्तों जो पीस है येलो नीचे ग्रीन इस साइड और ऑरेंज इस साइड जब तक दोस्तों यो मैच नहीं हो जाए जब तक करना हो आपने, तो ईब करो तो दोस्तों हो गयो तो ईब आप अगर न्यू नहीं पकड़ना अगर इस साइड से इस साइड जो दोस्तों एक बार जिस साइड से शुरू कर दियो आपने यानी कि नीचे वाली साइड है इसने न्यू घुमा की जो दोस्तों जिस तरह यो मेरो सोल्व है इसने दोबारा नहीं करना इसने न्यू, तो दोस्तों देख सको यो भी हो गयो ईब अपनों बच गयो एक इसने भी इससे साइड कर लियो चाहे इस साइड से न्यू भी कर सको दोस्तों आप उसमें कोई वो को नहीं, तो चलो इसने भी उस तरह करा। तो दोस्तों आपको ये पूरा हो गया है, तो दोस्तों देख सको हो पूरा कंप्लीट है और इस तरीका तो मैं अपने ईब दोबारा पूरा सोल्व करके दिखाऊँ हूँ यानी कि जो यानी कि फर्स्ट सेकेंड जो मन पार्ट बताए हैं और यह है दोस्तों थर्ड पार्ट, तो इसमें यानी कि मैं पूरा अपना सॉल्व करके दिखाऊं। तो दोस्तों देख सको पूरा बिगड़ गया है ईब मैं यानी कि अपने फर्स्ट लेयर तक लेके सेकंड लेयर तक पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा जो मैंने मेरी वीडियो में अब तक सिखाया है। We'll be right back.
और दोस्तों यानी कि मैंने यह बतानी भूल गए थो, जो लाइन दोस्तों आपने पकड़नी हो प्लस को निशान बनाने खातिर, जो लाइन पकड़नी है दोस्तों आपने वह ओरिजेंटली पकड़नी है, यानी कि न्यू नहीं पकड़नी, इस साइड तो न्यू पकड़नी है, फिर आपने यो करना है। तो चलो दोबारा कंटिन्यू करूँ। देख सको हो मैंने यानी कि जो जो तरीका तो आपने सिखाया है उस तरीका दोस्तों मैंने पूरा क्यूब सॉल्व कर दियो है। तो ईब दोस्तों आप यानी कि दोनों पार्ट यानी कि फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर दोनों पार्ट की वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहला वैसी कियो फिर या दोस्तों आपने समझ में आओगी। तो इस वीडियो में इतना है, मैं मिलूँ आप तो नेक्स्ट वीडियो में, जब तक खातर नमस्कार, बाय बाय।